माननीय सर्वाधिकारी जी, माननीय अधिकारीगण, संयोजक बंधुगण, कल इतना उल्लेख आया कि पश्चिम की विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनकी प्रकृति भिन्न है। हमारी विचारधाराएं, समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनकी प्रकृति भिन्न है। इसका कारण है कि विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं, इनका आधार वैश्विक दर्शन, कॉस्मोलॉजी, इसका आधार होता है। तो जिस वैश्विक दर्शन के आधार पर उनके यहां की आज की विचारधाराएं और समाज व्यवस्थाओं की संकल्पनाएं, वह दर्शन अलग ढंग का रहा, हमारा वैश्विक दर्शन अलग ढंग का रहा। कल मैंने यह कहा कि पश्चिम का साइंस दिन प्रतिदिन हिंदू वैश्विक दर्शन के अधिकाधिक नजदीक निकट आते जा रहा है, यह बात सही है। किंतु यह जो हिंदू वैश्विक दर्शन के निकट आने वाला नया आधुनिक साइंस है, वह उनके समाज व्यवस्था का या विचारधारा का आधार नहीं है। समाज व्यवस्था या विचारधारा का आधार पिछली शताब्दी का जो उद्धत ऑरोगन साइंस था, उद्धत साइंस था, यही उनके वैश्विक दर्शन का आधार रहा। और यह उनका साइंस, उसके कारण उनका वैश्विक दर्शन और हिंदू वैश्विक दर्शन, इसमें मौलिक मूलभूत अंतर रहा है। वैश्विक दर्शन का मतलब होता है कि यह सारा अस्तित्व, सारा विश्व, ये कहां से आया, किधर जा रहा है, इसका विचार यानी वैश्विक दर्शन होता है। और जिस किसी ने गंभीर विचार करना है, उसने वैश्विक विचार करना ही होता है कि सारा अस्तित्व कहां से आया, कहां जा रहा है। अब इसकी खोज पश्चिम में हुई, पिछले शताब्दी के साइंस ने उसकी खोज करना प्रारंभ किया। खोज करने के लिए उनकी प्रयोगशाला, यह फिजिकल लेबोरेटरी जो हम देखते हैं, यह फिजिकल प्रयोगशाला उनकी थी। और यह नाम रूपात्मक जगत जो है, इसमें जो विविध पदार्थ दिखाई देते हैं, एक एक पदार्थ का पृथक्करण करते हुए, विश्लेषण करते हुए, उसमें से मूल तत्व की ओर जाना, यह उनका प्रयास रहा। तो उनके साइंस ने इस नाम रूपात्मक जगत के अनेकत्व को मान्यता दी। और जब साइंस की प्रगति होने लगी, तो फिर अनेकत्व में से उनको पता चला कि वे बैंडवे ऐसे एलिमेंट्स है जो मौलिक है, फिर और कम होते होते आज वो एकत्व की ओर आ रहे हैं। उसके गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं, तो एकत्व की ओर बढ़ रहे। लेकिन जिस आधार पर विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं निकली, वो जो उस समय का साइंस है, उसका आधार अनेकत्व यह था। हमारे यहां प्रयोगशाला हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो बनाई थी, वह फिजिकल लेबोरेटरी नहीं थी। तो अपने शरीर को ही उन्होंने लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बनाया था, और उसी में उन्होंने अंतिम तत्व की खोज शुरू की, और उसी में उनको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार उनको यह हुआ कि नाम रूपात्मक जगत, यह भिन्न भिन्न पदार्थों का आविष्कार हम देखते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए मूल तत्व के नाते, तो यह संपूर्ण एक ही अस्तित्व है, एक ही तत्व है। जो विभिन्नता दिखती है, वह एक ही तत्व के आविष्कार के रूप में है, किंतु संपूर्ण अस्तित्व एक है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म,
संस्कृत में कहा तो हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी के ख्याल में नहीं आया। मैंने कहा सरल अंग्रेजी में मैं बताता हूं, ख्याल में आएगा। सर्वं खलविदं ब्रह्म का मतलब होता है ऑल इज वन, ऑल आर वन नहीं है। ऑल आर वन बनने से मतलब होता है कि तरह तरह की चीजें नहीं, ऑल इज वन, सब मिलकर एक ही तत्व है। तो ये आधार, यह साक्षात्कार हर हिंदू को होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन यह साक्षात्कार हर हिंदू का जीवन मूल्य है। ऑल इज वन सर्वं खलविदं ब्रह्म, ऐसा नहीं है कि हर हिंदू उस अवस्था तक पहुंचता है, लेकिन यह जो अवस्था है वह हर हिंदू का जीवन मूल्य है। हम उसको जीवन मूल्य के रूप में मानते हैं। और जितनी हिंदू विचारधाराएं और समाज व्यवस्था की संकल्पनाएं निकली है उसका मूल स्रोत गंगोत्री यानी यह साक्षात्कार है। सर्वं खलविदं ब्रह्म ऑल इज वन यह है। इसके कारण संपूर्ण विचार में समग्रता है, और उनके साइंस का आधार अनेकत्व होने के कारण उनकी विशेषता समग्रता का अभाव है। तो विचारों की समग्रता या हमारी विशेषता, विचारों की समग्रता का अभाव यह उनकी विशेषता। तो वैश्विक दर्शन का इस तरह से कुछ अंतर उनके और हमारे यह दिखाई देता है। इसका परिणाम आगे चलकर जो विचार निकले, व्यवस्थाएं निकली, उन पर होता है। अब हम देखें कि जब हमने यह सोचा या यह जीवन मूल्य मान लिया कि संपूर्ण अस्तित्व एक है, तो स्पष्ट है कि इसमें जितने ब्रह्मांड आते होंगे सब मिलकर एक अस्तित्व है। एक एक ब्रह्मांड में जितनी सृष्टियां आती होगी सब सृष्टि मिलकर एक ही अस्तित्व है। हर एक सृष्टि में जितने ग्रह योग ग्रह गोल आते होंगे सब मिलकर एक ही है। और हर ग्रह में जैसे पृथ्वी है, जितने कुछ तथाकथित सजीव तथाकथित निर्जीव वस्तुएं दिखती होगी सब मिलकर एक ही अस्तित्व है। और तथाकथित सजीव वस्तुओं में मानवीय सृष्टि मानवेतर सृष्टि सब मिलकर एक ही अस्तित्व है। और मानवीय सृष्टि में जितने विविध लोग दिखाई देते होंगे वो फिर उनको ट्राइब कहिए, नेशन कहिए, राष्ट्र कहिए, गोत्र कहिए, सब मिलकर एक ही है। और हर एक समाज में कई व्यक्ति दिखते होंगे लेकिन सब व्यक्ति मिलकर एक ही है। यह एकत्व संपूर्ण विचारधारा में। अब ये ब्रह्मांड विश्व वगैरह बड़े बड़ी बातें छोड़कर व्यक्ति और समाज का विचार जब हम करते तो एकत्व के कारण हमारे यहां विचार यह आया कि संपूर्ण समाज यह एक इकाई है और हर एक व्यक्ति उस इकाई का एक अंग मात्र है। जैसे शरीर और उसका एक एक अंग प्रत्यंग होता है वैसे समाज यह शरीर हर एक व्यक्ति उसका अंग प्रत्यंग, वैसे मानवता यह एक शरीर हर समाज उसका अंग प्रत्यंग। इस तरह की अंगांगी भाव की धारणा हमारे यहाँ है। और इसके कारण व्यक्ति और समाज इस तरह का विचारों का द्वंद्व हमारे यहाँ नहीं रहा। शरीर और शरीर का एक एक अंग इसमें द्वंद्व नहीं है। हर एक अंग शरीर का हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा है। और एक एक अंग में और संपूर्ण शरीर में जो अविभाज्यत्व है वही एक एक व्यक्ति और संपूर्ण समाज में, या संपूर्ण जो समाज है और व्यक्ति है उसमें इस तरह की अविभाज्यता का रिश्ता है। इस तरह का अंगांगी भाव अपने यहां रहा और इसके कारण समाज के समृद्धि में व्यक्ति की समृद्धि, व्यक्ति के समृद्धि में समाज की समृद्धि, इस तरह का भाव रहा। इसमें से बाकी विचार निकले। उनके यहां अनेकत्व का दर्शन था, इसके कारण सब कुछ अलग अलग है। सब कुछ अलग है इसका मतलब है कि हर समाज अलग अलग है। हर समाज के अंतर्गत जो एक एक व्यक्ति है वो अलग अलग है, स्वतंत्र इकाई है, अपनी अपनी अलग अस्मिता रखने वाला है। इसके कारण विचारों का केंद्र या व्यक्ति बना। सारी जो सृष्टि हो, जो कुछ अस्तित्व होगा उसका केंद्र क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति यानी मैं। हरेक का जो मैं है वह समझता है कि मैं सारे सृष्टि का केंद्र हूं। व्यक्ति यह सारे सृष्टि का केंद्र है।
और जितने सृष्टि है यह सारी सृष्टि मेरे लिए है, मेरे उपयोग के लिए है, मेरे उपभोग के लिए है, मेरे आनंद के लिए है। तो सृष्टि का केंद्र माने मैं हूं, व्यक्ति हूं, और व्यक्ति के उपभोग के लिए संपूर्ण सृष्टि है। यह विचार आते ही फिर द्वंद्व आ जाता है कि मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए यदि अन्य लोगों का शोषण करता हूं और उसमें मेरा सुख बढ़ता है, शोषण करने में आपत्ति क्या है? तो व्यक्ति और समाज का द्वंद्व वहां निर्माण होता है। व्यक्ति के अधिकार क्या है अगेंस्ट दी सोसाइटी, समाज के विरोध में, हर एक व्यक्ति के समाज के विरोध में अधिकार क्या है, यह द्वंद्व शुरू होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऐसा उसको बोला गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, कि हर एक व्यक्ति के समाज के खिलाफ क्या क्या अधिकार है। हमारे यहां कहा गया कि व्यक्ति और समाज द्वंद्व ही नहीं है, इतनी एकात्मता है। पहले व्यक्ति या पहले समाज, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जो समाज है यह कोई बेसिक इकाई नहीं है, मौलिक इकाई नहीं है, मौलिक इकाई व्यक्ति है। फिर समाज की आवश्यकता है क्या है? अकेला व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो के समान अकेला रहकर सुखी नहीं हो सकता, उसको ताश भी खेलना हो तो दूसरे आदमी की आवश्यकता होती है, क्लब की आवश्यकता होती है। तो बेसिक इकाई जो है वह व्यक्ति ही है, किंतु मनोरंजन के लिए, अपने ही सुख के लिए चार लोगों की आवश्यकता हुआ करती है, इसलिए क्लब में जाना पड़ता है। किंतु क्लब यह बेसिक इकाई नहीं है, बेसिक इकाई उसका जो हर एक मेंबर होता है, हर एक व्यक्ति होता है, वही बेसिक इकाई है। कई बेसिक इकाइयों का माने व्यक्तियों का मिलकर एक क्लब होता है। समाज यह क्लब के समान है, बेसिक नहीं है, बेसिक इकाई नहीं है, क्लब के समान है, यह उनकी धारणा रही। हमारी धारणा रही कि समाज यह शरीर के समान है, एक एक व्यक्ति उसका अंग मात्र है। तो हमारे यहां का विचार का मॉडल अंगांगी भाव का रहा, उनके यहां का विचार का मॉडल क्लब और उसके मेंबर का रहा। तो फिर उनके यहां प्रश्न आया कि व्यक्ति पहले या समाज पहले, इसमें व्यक्ति पहले, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे यहां प्रश्न आया ही नहीं। अब अंग और शरीर में पहले कौन सा और बाद में कौन सा, जैसे अपने यहां कहते हैं कि पहले मुर्गा या पहले अंडा। पहले अंडा कहा तो अंडा कहां से आया बगैर मुर्गी के, और पहले मुर्गी कहा तो बगैर अंडे के मुर्गी कहां से आई। तो इस तरह से यहां द्वंद्व नहीं है विचारों का। तो शरीर और अंग के समान समाज और व्यक्ति अविभाज्यता से संबद्ध एक दूसरे से है, ऐसा विचार आया। इसके कारण यहां फिर आया कि सुख का विचार मेरा या अकेले मेरा अलग नहीं हो सकता। संपूर्ण शरीर के सुख में मेरा सुख है, संपूर्ण शरीर के दुख में मेरा दुख है, इसलिए संपूर्ण समाज के सुख में मेरा सुख है, संपूर्ण समाज के दुख में मेरा दुख है, और इसलिए सुख का विचार करना है तो संपूर्ण समाज के सुख का विचार करना होगा। अलग से समाज को छोड़कर मैं अपने सुख का विचार कर ही नहीं सकता। इसके कारण शोषण दूसरे का करना यह कल्पना यहां नहीं है, क्योंकि दूसरे का किसका शोषण करेंगे? हाथ यदि सोचे कि मैं पैर का शोषण करूं, पैर सोचे कि मैं पेट का शोषण करूं, ये जितना विचित्र होगा वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शोषण का विचार हमारे यहां विचित्र माना गया, अस्वाभाविक माना गया। तो सभी मिलकर सभी के कल्याण का विचार करते हैं, ऐसी रचना अपने यहां हुई। इसके कारण यहां शोषण के लिए स्थान नहीं, वहां शोषण यह विचारों का आधार हो गया। क्योंकि हर एक व्यक्ति सृष्टि का केंद्र है, उसका सुख यही विचारों का सारा आधार है। सुख के लिए शोषण यदि आवश्यक है तो शोषण करने में आपत्ति नहीं है। तो कितनी भी मात्रा में अन्य लोगों का, प्राणियों का शोषण करने में आपत्ति क्या? इसीलिए कल जैसे मैंने कहा कि मानव केंद्रितता होमोसेंट्रिसिज्म, कि मेरे लिए है, बाकी जितने प्राणी वगैरह है इन सबको मैं खा सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं, क्या आपत्ति है, उनका विचार करने की आवश्यकता क्या है, यह होमोसेंट्रिसिज्म यह निर्माण हुआ।
वैसे केवल होमोसेंट्रिसिज्म नहीं तो बाकी मानवों का भी मैं शोषण कर सकता हूं, उससे यदि मेरा सुख बढ़ता है तो बढ़ाने में क्या आपत्ति है, यह विचार वहां निर्माण हुआ। और यह विचार निर्माण होने के कारण अपने सुख के लिए दूसरे का शोषण, तो सब एक दूसरे का शोषण करने लगेंगे तो समाज कैसे चलेगा। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की कुछ सामंजस्य बिठाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी यह वहां निर्माण है। हमारे यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी नहीं। अब इसमें से एक एक विचार निकलता है, व्यक्ति का सुख उसके लिए शोषण हो सकता है तो सुख ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति का काहे के कारण होता है, उपभोग का, उपभोग बढ़ने के कारण। उपभोग ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा साधन सामग्री चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साधन सामग्री चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा पैसा व्यक्ति के पास चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा व्यक्ति के पास चाहिए तो फिर उसके सारे आर्थिक व्यवहार का आधार प्रॉफिट मोटिव, मुनाफा, यह उसका आधार होना चाहिए। ज्यादा मुनाफा यानी ज्यादा पैसा यानी ज्यादा साधन सामग्री माने ज्यादा उपभोग, यह एक साध्य साधन परंपरा महानिर्माण है। हमारे यहां सबका सुख है इसके कारण सब एक दूसरे की सेवा करने में आनंद माने, सारे जो हमारे व्यवहार का उद्देश्य रहा यह सेवा, सर्विस मोटिव, यह हमारा उद्देश्य रहा। और हम सर्विस लोगों की नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपनी सर्विस कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, यानी हम स्वयं अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि समाज और व्यक्ति यह द्वंद्व नहीं है। इसके कारण सभी एक दूसरे की सेवा में रहते हैं, ऐसा दृश्य हमारे यहाँ दिखा। तो वहां प्रॉफिट मोटिव आया, हमारे यहाँ सर्विस मोटिव आया। प्रॉफिट मोटिव और सर्विस मोटिव आते ही अगली व्यवस्था में महान परिवर्तन आया। वहां प्रॉफिट मोटिव है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का रास्ता क्या है, तो ऐसा दिखाई दिया अर्थव्यवस्था में। हम एक आर्थिक पहलू का आज विचार करें, वैसे तो सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं का विचार वैश्विक दर्शन में होता है, लेकिन उदाहरण के लिए हम आर्थिक पहलू का विचार करें। तो प्रॉफिट मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आज की अर्थव्यवस्था में यह आवश्यक है कि हम जिस माल को मार्केट में ले जाते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कीमत आनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक होता है, यह कानून का, आज के बाजार का कानून है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं कि ज्यादा सप्लाई रहा तो कीमत घट जाती है, कम सप्लाई रहा तो कीमत बढ़ जाती है। तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो कीमतें बढ़नी चाहिए, कीमतें बढ़नी चाहिए तो उसके लिए सप्लाई घटना चाहिए, सप्लाई यदि ज्यादा होगा तो कीमतें घट जाएगी, कीमतें घट जाएगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो कीमतें ज्यादा चाहिए, कीमतें ज्यादा चाहिए तो वस्तुओं का सप्लाई कम चाहिए। तो सप्लाई यदि किसी कारण ज्यादा हो गया तो उसको कृत्रिम उपायों से दबा के रखना या नष्ट करना, इसको कहते हैं कंट्राइव्ड स्केयरसिटी, स्केयरसिटी यानी अभाव, और कंट्राइव्ड यानी कृत्रिम उपायों से जो अभाव निर्माण किया जाता है। आपने सुना होगा कि अनाज सागर में डाला जाता है, तंबाकू सागर में डाला गया है, माल को दबा कर रखते हैं, इसके कारण कंट्राइव्ड स्केयरसिटीज, कृत्रिम अभावों का निर्माण किया जाता है। काहे के लिए, कीमतें ज्यादा बढ़े माने प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। तो उनके जो अर्थव्यवस्था है यह कंट्राइव्ड स्केयरसिटीज की है कि ज्यादा से ज्यादा अभाव निर्माण किया जाए ताकि प्रॉफिट बढ़े। हमारे यहाँ उल्टा है, सबका सुख, सबका सुख इसका मतलब है कि सभी लोगों को जीवन आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए तो प्राप्त करने के लिए खरीदी की शक्ति हरेक की होनी चाहिए, तो कीमतें कम होनी चाहिए, कीमतें गिरनी चाहिए, कीमतें तभी गिरेगी जब सप्लाई ज्यादा होगा,
तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई। तो हमारी जो वैदिक इकोनॉमी है, इट इज एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। वैदिक इकोनॉमी को इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस कहा गया है कि समृद्धि, विपुलता, वस्तुओं की विपुलता होगी तो कीमतें घट जाएगी, कीमतें घट जाएगी तो सभी के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध होगी, सभी सुखी हो सकते हैं। तो सभी को सुखी करने का आर्थिक क्षेत्र का, मैं केवल एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ऐसे सभी क्षेत्र के लिए नियम लागू होते हैं, लेकिन एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो आर्थिक क्षेत्र में सभी को सुखी बनाना है तो सभी को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। तो सभी को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके इस तरह की रचना चाहिए, इसलिए वस्तुओं का सप्लाई ज्यादा चाहिए। तो इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस ये हमारी विशेषता रही है। इकोनॉमी ऑफ कंट्राइव्ड स्केयरसिटी, कृत्रिम अभावों की इकोनॉमी, ये उनकी इकोनॉमी की विशेषता रही है। और फिर इसके कारण संपूर्ण विचार में कितना परिवर्तन होता है, केवल संकेत मात्र में करूं के जब कीमतें गिरती है तो उसको वो कहते हैं मंदी, डिप्रेशन। तो जब आम तौर पर कीमतें गिरती है तो वहां के अर्थशास्त्रज्ञ सचिंत हो जाते हैं, बड़े फिक्र में रहते हैं। वो कहते हैं अरे कीमतें गिर गई, चिंता क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट गिर गया। कहते हैं कि बड़ा डिप्रेशन आया है, संकट आया है। हमारे यहां कीमतें यदि गिर जाएगी, हम आनंदित हो जाएंगे कि अब कीमतें गिर गई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई हो जाएगा, वो खरीद सकेंगे, अच्छी बात हुई, हम आनंदित हो जाएंगे। माने कीमतों का गिर जाना, उसके कारण वो सचिंत होते हैं, उसको मंदी या डिप्रेशन कहते हैं। कीमतों का गिर जाना, इसके कारण हम सुखी होते हैं, क्योंकि लोगों को वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। तो एक ही घटना के दो परस्पर विरोधी परिणाम हमारे अर्थशास्त्रज्ञों पर, हिंदू अर्थशास्त्रज्ञों पर और पश्चिमी अर्थशास्त्रज्ञों पर होते हैं। तो उनका अर्थशास्त्र अलग ढंग का बना है, हिंदू अर्थशास्त्र अलग ढंग का बना है। और इसके कारण वहां के शास्त्रज्ञों ने ऐसा कहा है कि सैकड़ों वर्ष से, जब से उनके अर्थशास्त्र की रचना लोगों के ख्याल में आई तब से लेकर आज तक, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी ऑफ राइजिंग प्राइसेस। माने जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है वह निरंतर बढ़ने वाले कीमतों की अर्थव्यवस्था है, निरंतर बढ़ने वाली कीमतें, इकोनॉमी ऑफ राइजिंग प्राइसेस। और हमारी हिंदू अर्थव्यवस्था है, इट इज एन इकोनॉमी ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस, निरंतर गिरने वाली, घटने वाली कीमतें, यह हमारी विशेषता रही है। तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं, उनका आधार इसमें महान परिवर्तन है। इसके कारण हिंदू अर्थशास्त्र अलग हो जाता है, पश्चिमी अर्थशास्त्र अलग होता है। और दुनिया के सामने अब यह प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे इंग्लिश एजुकेटेड लोग पश्चिमी अर्थशास्त्र के दास गुलाम रहे हैं, अब सबको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि मनुष्य का और मानव जाति का हित कल्याण यदि सिद्ध करना है तो कौन सी अर्थव्यवस्था चाहिए? निरंतर जिसमें कीमतें बढ़ते जाती है वह अर्थव्यवस्था मानव जाति के कल्याण के लिए होगी, या निरंतर जिसमें कीमतें घटती जाती है वह अर्थव्यवस्था मानव जाति के कल्याण के लिए होगी? इसका उत्तर देना पड़ेगा, वह समय अब आ गया है, ऐसी स्थिति है। तो इसमें से फिर अर्थव्यवस्था में अनेक अंतर, अनेक भेद, उनके और हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक भेद हो जाते हैं। अपने यहां अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के प्रभाव के कारण हमारे अंग्रेजी शिक्षित, आंग्ल प्रभावित लोगों ने यह सोचा ही नहीं कि हमारी भी कुछ व्यवस्था है, वैदिक काल से चलती आई हुई हमारी भी कुछ व्यवस्था है। तभी तो हमारे यहाँ कहा गया सर्वे न सुखिन संतु, कैसे सर्वे न सुखिन हो सकती है, इसके रास्ता भी दिखाया गया। अंग्रेजों ने बताया कि तुम्हारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, तुम्हारे यहाँ कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, तुम्हारे यहाँ कोई विचार नहीं था, सारे विचार, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं अब हम ला रहे हैं, आपके यहाँ कुछ नहीं था।
अंग्रेजों के साम्राज्य की चकचकाहट के कारण प्रभावित हमारे आंग्ल प्रभावित लोगों ने उनके सारे विचार मान लिए और कहा कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, जो है वो वहां से लाना है, वहां से एक एक चीज उठा कर लाई। उसके कारण आज उनकी जो दुर्दशा पश्चिम में हो रही है, वही दुर्दशा हम लोगों की यहाँ हो रही है। तो इतना हम समझ ले कि दोनों में बहुत अंतर है। अब दो मनोवृत्तियों का जो अंतर है वो सभी बातों में उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब होता है। बाकी गहराई में न जाते हुए केवल उदाहरण के लिए कि किस तरह से प्रत्यक्ष व्यवहार पर इन बातों का असर होता है, यह हम थोड़ा देखें। अर्थशास्त्र एक लंबा विषय है, किंतु केवल उदाहरण के लिए कि कैसे अंतर आ जाता है। अब सारे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में केंद्रित विचार के कोई होगा तो वह है संपत्ति का, वेल्थ। अब संपत्ति की हमारी कल्पना, हिंदू कल्पना, और संपत्ति की पश्चिमी कल्पना एक ही है क्या? हम हमारे इंग्लिश पढ़े लिखे और इसके कारण भारतीय हिंदू संस्कृति के दृष्टि से अनपढ़, ऐसे अनपढ़ लोगों के साथ, माने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बात करते हैं, वो हमको पूछते हैं संपत्ति में क्या कल्पना में क्या अंतर होगा। संपत्ति माने संपत्ति, वेल्थ इज वेल्थ, चाहे वो हिंदू कल्पना रहे पश्चिमी कल्पना रहे, ऐसा नहीं। हमारी कल्पना उनकी कल्पना, इसमें अंतर। अब वो अंग्रेजी पढ़े लिखे इसलिए उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई ऐसा है, हमारी संपत्ति की कल्पना जो है वो है द टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, माने देश में किसी भी समय कुल मिलाकर जितनी वस्तुएं हैं और जितनी सेवाएं हैं इनका मिलकर जो संकलन होता है, टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, माने किसी भी एक समय देश में कुल मिलाकर जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनका संकलन, माने देश की संपत्ति, ऐसा हम मानते हैं। फिर पश्चिमी क्या मानते हैं? वो भौतिकतावादी है ना, इसके कारण वो मानते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ द टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो हम कहते हैं टोटल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो मार्केट प्राइस होगी, माने देश की संपत्ति है, नेशनल वेल्थ है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो नेशनल वेल्थ की उनकी मान्यता, सभी वस्तुओं की और सेवाओं की जो मार्केट प्राइस होगी वह है, और सभी वस्तुएं और सेवाएं मिलकर हम समझते हैं कि ये नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपत्ति होती है। केवल उदाहरण के लिए बताएं कि मान लीजिए कि देश में 500 पैंट्स हो गई, हम उनको समझाते हैं ना तो धोती बोलने से मतलब नहीं, 500 पैंट्स हो गई, 100 पैंट्स सुविधा के लिए 100 पैंट्स देश में है, तो कुल मिलाकर बास्केट क्या है? 100 पैंट्स का बास्केट है। हम कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? 100 पैंट्स। अब एक एक पैंट की कीमत 5 रुपया है, इसलिए वो कहेंगे कि हमारी संपत्ति क्या है? 500 रुपया। हम कहते हैं कि 100 पैंट्स हमारी संपत्ति है, वो कहते हैं 500 रुपये हमारी संपत्ति है, और आप कहेंगे दोनों का मतलब तो एक ही है, वो 100 पैंट कह रहे हैं आप 500 रुपये कह रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? बात सही है, लेकिन अंतर आता है। मान लीजिए अगले साल 100 पैंट के जगह 200 पैंट्स निर्माण हुए तो हम सुखी हो जाएंगे, हम मानेंगे कि भाई हमारी संपत्ति दुगुना हो गई, वो मार्केट प्राइस लगाएंगे। अब मार्केट का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, कि जैसे माल का सप्लाई बढ़ता है वैसे कीमतें घटती है, तो 200 पैंट हो गई इसलिए हमें आनंद है कि 100 के जगह 200 हो गई, हम कहते हैं हमारी संपत्ति दुगुना हो गई। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण पहले जो एक एक पैंट की कीमत 5 रुपए थी वो 2 रुपया हो गई,
तो 200 पैन की कीमत 400 रुपया हो गई। वो रोते हैं कि हमारी नेशनल वेल्थ राष्ट्रीय संपत्ति 100 रुपया कम हो गई, क्योंकि मार्केट प्राइस देखते हैं, माल का सप्लाई बढ़ता है तो मार्केट प्राइस घट जाती है, तो 5 रुपए के जगह 2 रुपया प्राइस हो गई, तो 400 रुपया उनके पास आया। वो कहते हैं कि पहले 500 रुपए आता था, आज 400 रुपए आ गया, तो इसके कारण 100 रुपया राष्ट्रीय संपत्ति घट गई, ऐसा उनका कहना होगा। हमारा कहना होगा कि हमारी दुगुना राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। संपत्ति की कल्पना में उनके और हमारे जो अंतर है, इसके कारण यह फर्क आ जाता है। अब मान लीजिए कि अगले साल पैंट्स केवल 50 निर्माण हुए, पहले 100 थे अब 50 हुए, हम दुखी हो जाएंगे, कह रहे भाई वो आधा ही रह गया, पहले साल जो है उससे आधी संपत्ति हमारी हो गई, किंतु सप्लाई घट गया, इसके कारण कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई और एक एक पैंट की कीमत 12 रुपया हो जाती है, तो 50 की कीमत 600 रुपया हो जाएगी। वो कहेंगे कि पहले समय जो 500 रुपये मिला था उससे हमको 100 रुपया ज्यादा मिल रहा, तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति 100 रुपये से बढ़ गई। हम कहेंगे पहले हमारी 100 पैंट्स की वो 50 हो गई, तो राष्ट्रीय संपत्ति आधी रह गई। माने उनके और हमारी परिभाषा के कारण प्रत्यक्ष व्यवहार में गिनती करते समय राष्ट्रीय संपत्ति नेशनल वेल्थ की गिनती अलग अलग पद्धति से होती है, अलग अलग रूप में होती है। उदाहरण के लिए केवल कहा कि किस तरह मूल कल्पना अलग होने के कारण संपत्ति की परिभाषा में भी उनके और हमारे किस तरह परिवर्तन आता है। एक नेशनल इनकम करके एक टर्मिनोलॉजी है, नेशनल वेल्थ उसी का एक हिस्सा नेशनल इनकम में। ऐसा होता है कि इस वर्ष हमारे देश की कुल मिलाकर संपत्ति क्या है, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आमदनी। नेशनल इनकम की गिनती करने के कई 3-4 रास्ते हैं, लेकिन आमतौर पर एक रास्ता चलता है कि इस वर्ष की राष्ट्रीय आमदनी की गिनती कैसे करना, तो देश में रहने वाले सभी लोगों की जो आमदनी होगी उसका योग करना, उसकी सम टोटल करना, उसको जोड़ देना, सबका मिलकर जो योग होगा, सम टोटल होगा, वह माने राष्ट्र की आमदनी, राष्ट्रीय आमदनी। अब उनके ही एक अर्थशास्त्रज्ञ ने प्रश्न उपस्थित किया, ये हमारी प्रक्रिया ठीक है क्या कि राष्ट्रीय आमदनी माने राष्ट्र के सब लोगों के आमदनी का योग, सम टोटल, ये ठीक है क्या? और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक मालिक ने अपने घर काम के लिए एक नौकरानी को रखा, 200 रुपया पर मंथ उसको देते, साल के 2400 रुपये हो गए। अब नेशनल इनकम की जब गिनती होती है तो इस नौकरानी के 2400 रुपया भी उसमें जोड़े जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि उसका नौकरानी से प्रेम हो गया और उसके साथ विवाह कर लिया, अब वो उसकी पत्नी हो गई। पत्नी होने के कारण ये जो बात है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो नौकरानी के नाते जो काम करती थी अब मालकिन के नाते तो वो ज्यादा सतर्कता के साथ काम करेगी, तो हमारा अंदाजा रहेगा कि उनके सर्विसेज में बढ़ोतरी हो गई तो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन उनकी पद्धति दूसरी है, वो कहते वो पत्नी हो गई माने नौकरा के नी के नाते साल में जो 2400 रुपए उसको मिलते थे वो तो अब नहीं मिलेंगे, तो वो कहते हैं कि शादी के कारण नौकरानी को पत्नी बनाने के कारण इसमें हमारी नेशनल इनकम 2400 रुपया घट गई। अब कल्पना करें, कह रहे नौकरानी के नाते वो काम करती थी, उससे पत्नी के नाते अधिक अच्छा काम करेगी कि नहीं? अधिक अच्छा काम करेगी तो फिर सर्विसेस अधिक अच्छे होने के कारण आमदनी बढ़ी, ऐसा मानना चाहिए। वो कहते कि आमदनी 2400 रुपए से घट गई। ये केवल थोड़े उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि उनका विचार हमारा विचार इसमें बहुत अंतर है, और इसके कारण वैश्विक दर्शन के आधार पर ये जो सारे विचार निकलते हैं राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के, उनके विचार और हमारे विचारों में कितना अंतर है, यह केवल दिखाने के लिए यह बताया।
उनके वैश्विक दर्शन के कारण तरह तरह की विचारधाराएं वहां निकली। सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है। अब वैसे तो ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आपस में विरोधी होते हुए भी सबका गोत्र एक है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सबका गोत्र एक है। ऐसा है कि जैसे मेरा गोत्र गौतम है, लेकिन मैं त्रिप्रवरान्वित हूं, गौतम अंगिरस आयाचित, वैसे उनका सबका गोत्र मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है। उसके तीन प्रवर है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तीनों प्रवर एक ही गोत्र के हैं, मटेरियलिज्म के। और यह मटेरियलिज्म, हमारा वैश्विक दर्शन इसमें मूलभूत अंतर है। हमारे वैश्विक दर्शन में सभी बातों का आधार सनातन धर्म है, सनातन धर्म। और इसलिए कल मैंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानववाद की बात कही, वह एकात्म मानववाद नया विचार नहीं है, तो समय समय पर युगानुकूल आविष्कार सनातन धर्म का होता है, करना पड़ता है। इसीलिए जैसे कल बताया, तरह तरह के समय, तरह तरह कालखंड में तरह तरह की स्मृतियां निर्माण हुई, तो उसी तरह से सनातन धर्म का युगानुकूल आविष्कार, यानी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय इनका इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद। तो हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो ही विचारधारा या जो ही समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के अंतर्गत रहेगी, उसके अंदर अंतर विरोध या इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कभी भी निर्माण नहीं हो सकते। लेकिन जो विचारधारा या समाज व्यवस्था सनातन धर्म के दायरे के बाहर रहेगी, उसमें अंतर विरोध, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अपरिहार्यता से निर्माण होती है। यह ठीक है कि वह अंतर विरोध परिपक्व होने में, इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन परिपक्व होने में समय लगता है, किंतु अपरिहार्यता से, इनवेरिएबली, इनेविटेबली, नेसेसरीली, वह इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, अंतर विरोध विकसित होता ही है। और वह समाज व्यवस्था और विचारधारा अपने ही अंतर विरोधों के बोझ के नीचे दबकर खत्म होती है, तो धर्म के दायरे के बाहर जो जो समाज व्यवस्था और विचारधारा है, उसमें अंतर विरोध निर्माण होना अपरिहार्य है। और यह अंतर विरोध जब परिपक्व हो जाते हैं, तो अपने ही अंतर विरोध के बोझ के नीचे ये समाज व्यवस्था और विचारधारा टूट जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का विचार है। इसीलिए पहले हमारा जब भारतीय मजदूर संघ निकला और हम लोगों ने कहा उसके भी कम्युनिज्म टूट जाएगा, सब लोगों ने कहा यह क्या है, स्वप्न रंजन है, क्योंकि उस समय एक तिहाई दुनिया पर कम्युनिस्टों का लाल झंडा लहर रहा था। हिंदुस्तान में एकमात्र वैकल्पिक हो सकने वाली पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा विचार था। हमारे मजदूर क्षेत्र में चारों ओर लाल झंडा लहर रहा था, हमें कोई पूछता भी नहीं था, पांच मजदूर सलाम नहीं करते थे। ऐसे समय हम लोग जब बोलते थे कि यह कम्युनिज्म टूट जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए, लोग कहते थे यह स्वप्न रंजन है, रेवरी है। हम कहे के आधार पर कहते थे, हमने ये नहीं कहा कि हमारी ताकत इतनी बढ़ेगी कि हम कम्युनिज्म को तोड़ डालेंगे, ऐसा नहीं कहा। किंतु कम्युनिज्म टूट जाएगा, ऐसा उस अवस्था में कहा जब कम्युनिज्म का असेंडिंग ग्राफ था, माने ऊपर जाने वाला उनका ग्राफ था, उस समय का कहे के आधार पर कहा। यह शास्त्र के विचारों के आधार पर कहा कि यह धर्म बाह्य रचना है, इसके कारण इसमें अंतर विरोध निर्माण होने ही वाला है, और इस अंतर विरोध के बोझ के नीचे यह रचना टूटने वाली है। जब कम्युनिज्म टूट गया, लोगों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात नहीं थी, होने वाला था, क्योंकि धर्म के दायरे के बाहर थी रचना। आज कैपिटलिज्म का वही हाल है, कैपिटलिज्म भी धर्म के दायरे के बाहर है, जिसके कारण उसके अंतर्गत अंतर विरोध निर्माण हुए हैं, हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
और कैपिटलिज्म के बारे में भी हम लोग हिम्मत के साथ कहते हैं कि यह टूटने वाली व्यवस्था है। 2010वां साल जब तक नहीं आता तब तक कैपिटलिस्टिक रचना टूट जाएगी, हमारे कारण नहीं, तो अपने ही अंतर्विरोध के बोझ के नीचे दबते हुए और कैपिटलिज्म की यह व्यवस्था टूट जाएगी। और बाद में जब हमने शुरू में कहा तो लोग कहते थे ये स्वप्न रंजन है, लेकिन अब कैपिटलिज्म के प्रवक्ता जैसे सैमुअलसन है, पीटर ड्रकर है, इन्होंने जब कहना शुरू कर दिया कि भाई कैपिटलिज्म का टूटना अपरिहार्य है, तब हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे थे इसमें कुछ तथ्य होगा। हमने कहा अभी आपको क्या साक्षात्कार हुआ? नहीं, सैमुअलसन ने और पीटर ड्रकर ने कहा है कि कैपिटलिज्म टूटने वाला है, माने हम कहते हैं तो वो सत्य नहीं है, वो स्वप्न रंजन है, सैमुअलसन कहते हैं तो वो तथ्य है। हमने कहा भाई किसी की भी बात मान लो, लेकिन यह निश्चित है कि वो टूटने वाला है। हमने जो उसके टूटने का मुहूर्त रखा वो 2010वां साल रखा, पीटर ड्रकर ने उसके टूटने का जो मुहूर्त रखा वो 2015वां साल रखा। ये 5-10 साल का फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक समाज व्यवस्था टूट गई, दूसरे समाज व्यवस्था टूटने के कगार पर है, और आज पश्चिम में खोज चल रही है कि भाई एक टूट गई है दूसरी टूटने वाली है। अब मानव जाति के लिए आधारभूत ऐसी तीसरी व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, थर्ड वे कौन सा होना चाहिए, वहां खोज शुरू हो गई है। ऐसी अवस्था में आज है, हाँ, जब हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम 21वें शताब्दी के मुंह पर हम हैं, अब ये जानते हैं कि ये 21वीं शताब्दी ईसा की है। हमारे जो आचार्य है, हमारे एक मित्र है जो काल निर्णय के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं, वो कहते भी हिंदू काल गणना तो बहुत प्राचीन काल से है। उन्होंने हमको बताया कि ब्रह्म के द्वितीय परार्ध के श्वेतवाराह कल्प के, कई कल्प है उसमें से श्वेतवाराह कल्प के, वैवस्वत मन्वंतर के, कई मन्वंतर है उसमें से वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग के 51वें शताब्दी में हम जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। हमारे मित्र है, उनका नाम मयूरेश्वराचार्य ऐसा है, तो उन्होंने हमको ये खबर दी है। तो अभी हिंदुओं की 28वें कलियुग की 51वीं शताब्दी शुरू हो रही है, ईसा की 21वीं शताब्दी शुरू हो रही है, बहुत थोड़ा अंतर है, और वहां खोज शुरू हो रही है कि कौन सी रचना तीसरी रचना हो सकती है। एक रचना टूट गई, दूसरी रचना टूटने जा रही, तीसरी रचना की खोज है, और इसके कारण लोग अब हिंदुओं का विचार कर रहे हैं कि इनकी रचना जो है यह विचार करने योग्य है क्या। एर्नोल्ड टॉइन भी यह एक श्रेष्ठ इतिहास शास्त्रज्ञ हो गए, उन्होंने दुनिया के पुराने 28 सिविलाइजेशन और सब सिविलाइजेशंस का अध्ययन किया, और वो करने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक स्टेटमेंट किया कि हिंदुस्तान की जिम्मेवारी रहेगी संसार का मार्गदर्शन करना। ये स्टेटमेंट जब उन्होंने किया तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सामने कितने उलझने हैं मैं जानता हूं, यहां कितने झगड़े चल रहे हैं मैं जानता हूं। हम जब सुनते हैं अर्नोल्ड टॉइनबी का कि हिंदुस्तान में दुनिया को मार्गदर्शन करना है, और आज हमारी स्थिति हम अखबार में जब पढ़ते हैं आंखों से देखते हैं, तो ये तो ऐसा ही फैंटास्टिक लगता है कि जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, अब हम अपनी धोती नहीं संभाल पा रहे, हमारी धोती तो खुल रही, तो अपनी धोती संभालते संभालते हमें मुश्किल हो रही है, और अर्नोल्ड टॉइनबी साहब कह रहे हैं कि रास्ते से चलने वाले सब लोगों की धोती या संभालने का काम तुमने करना है। ये जितना विचित्र लगेगा उतना ही विचित्र अर्नोल्ड टॉइनबी का स्टेटमेंट है, किंतु उन्होंने कहा कि आपकी सब कठिनाइयां, आपके सब झगड़े, आपकी सब समस्याएं मैं जानता हूं, लेकिन दूसरी बात है, और उनका स्टेटमेंट कहता है कि दुनिया में जितने झगड़े वो सब झगड़े हिंदुस्तान में, टाइप के नाते यदि देखा जाए, टाइप के नाते तो दुनिया में जितने तरह के संघर्ष है वो सारे संघर्ष आज हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुओं की संस्कृति, हिंदू परंपरा, इसमें
एक विशेषता है जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं, और वो विशेषता क्या है? तो विभेद को विविधता के रूप में देखना और विविधता के अंतर्गत एकात्मता का साक्षात्कार करना, यह जो फैकल्टी है, यह जो क्षमता है, यह केवल इसी देश के संस्कृति के और परंपरा के अंतर्गत है और किसी दूसरे देश के संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत नहीं। इस क्षमता के आधार पर अर्नाल्ड टाइम भी ऐसी आशा रखते हैं कि इस क्षमता के आधार पर आज यह देश नीचे जाता हुआ दिखाई देता होगा, वहां संघर्ष दिखाई देते होंगे, बहुत गड़बड़ियां दिखाई देती होगी, किंतु यह जो सांस्कृतिक परंपरागत क्षमता है कि विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता के अंतर्गत एकात्मता का साक्षात्कार करना, इस क्षमता के आधार पर आज जितने संकट है उसका अवश्य निराकरण हिंदुस्तान करेगा, सभी संकटों पर मात करेगा, और अपनी परंपरागत सांस्कृतिक इस तरह की क्षमता के आधार पर एक आदर्श समाज रचना इसी देश में निर्माण हो सकती है और किसी देश में निर्माण नहीं हो सकती। ऐसी आदर्श समाज रचना यहाँ निर्माण करना, ताकि अलग अलग कलहों से, अलग अलग संघर्षों से युक्त जो बाकी समाज है उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारी आदर्श समाज रचना उपयुक्त हो सके। इस ढंग से बाकी देशों को मार्गदर्शन करना, बाकी संकटग्रस्त समाजों को मार्गदर्शन करना, अनति दूर भविष्य काल में, ये नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, अनति दूर भविष्य काल में यह जिम्मेवारी हिंदुस्तान ने संभालनी है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। यह सब होने वाली चीज है। यहां जहां धर्म है वहां विजय है। आज जो मटेरियलिज्म की चकचकाहट है उसके कारण एकदम प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी अधार्मिक रचनाएं टूटने वाली है, अधार्मिक विचारधाराएं परास्त होने वाली है, और हमारा हिंदुओं का हमेशा का संदर्भ बिंदु, एब्सोल्यूट रेफरेंट जिसको कहा जाए, एब्सोल्यूट रेफरेंट माने सब समय का एकमात्र संदर्भ बिंदु सनातन धर्म रहा है, जिसका युगानुकूल आविष्कार पंडित दीनदयाल जी का इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद है। यह सनातन धर्म हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंट होने के कारण, अखंड एकमात्र संदर्भ बिंदु होने के कारण, इसके दायरे के अंतर्गत हमारी विचारधारा और हमारी समाज व्यवस्था होने के कारण, यही समाज व्यवस्था थर्ड वे के रूप में, और सच्ची कहा जाए तो थर्ड वे शब्द ही गलत है, थर्ड वे कैसे हो सकता है? जो मार्ग होगा वो एक ही मार्ग होगा। दो गलत रास्तों से पश्चिम के लोग गए, दोनों रास्ते गलत थे यह सिद्ध हुआ, अब जो तीसरा आएगा वो एकमात्र होगा। ये सब पंथा नान्यत विद्यते अयनाय, हिंदू समाज रचना, हिंदू विचारधारा, हिंदू जीवन दर्शन, हिंदुत्व, यही मानवता के लिए तारने वाला, उद्धार करने वाला ऐसा मार्ग हो सकता है। यह दुनिया स्वीकार करे, इस अवस्था की ओर दुनिया जा रही है, आप नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हमारे देश के लोग तो इसका विचार भी नहीं कर रहे, किंतु हम विचार करें न करें अवश्यमेव हम इस दिशा में जा रहे हैं। आज लोगों में निराशा दिखती है, साहब बड़ा गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व की विजय यह एक सुनिश्चित बात है। अर्जुन जब घबरा जाता है तो भगवान कहते करे मय वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, कि जो सारे शत्रु दिखाई देते हैं मैंने सबको पहले ही नष्ट किया है, केवल निमित्त मात्र तू रण मैदान में खड़ा हो जाओ। हम निमित्त मात्र भी रण मैदान में खड़े हो जाते हैं, भगवान इन सबको नष्ट कर रहा है, वो हो रहे हैं, जिनको आंखें है वो देख सकते हैं, जिनको आंखें नहीं वो नहीं देख सकते, रास्ता साफ हो रहा है। आज ऐसा दिखता है जैसे होम्योपैथी में एक एक बीमारी का एग्रेवेशन होता, माने बीमारी बहुत बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते समाप्त होती है, वैसे हर बीमारी का एग्रेवेशन आज हो रहा है। चिंता की बात नहीं, एग्रेवेशन होते होते बीमारियां नष्ट होने वाली है। जहां धर्म है वहीं विजय होती है, और इस दृष्टि से हमारी विजय सुनिश्चित है, उस दिशा में हम जा रहे, इस दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा पंथा दी ओनली वे, यही मार्ग मानव जाति के लिए उपयुक्त रहेगा, इस संपूर्ण विश्वास के साथ हम इसके बाद काम करेंगे, भगवान का कार्य है, भगवान इसमें यश देगा। हम इस बात को जरा ठीक ढंग से समझ लें। हम तदीयाय कार्याय कहते हैं, एक छोटी सी बात कहकर मैं ये पूरा करूंगा। हमारे एक मित्र
बड़े निराश रहते हैं कि भाई ये त्वदीया या कार्याया कहते हैं लेकिन हमारी प्रगति नहीं ऐसा दिखता है, क्या मामला है। तो त्वदीया या कार्याया का अर्थ हम थोड़ा समझ लें, इसमें गलती होती है, मैं भी गलती कर रहा हूं। वर्धा में हमारा विजयादशमी का एक भाषण हुआ तो उसमें मैंने ये कहा कि हमारा ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य होने के कारण भगवान हमारे पक्ष में है, ऐसा हमने कहा। वहां हमारे एक चाचा रहते थे, वो अनपढ़ थे, अनपढ़ होने के कारण विचारों में गलती और विकृति होना संभव नहीं था। तो वो पटवारी मात्र थे, अंग्रेजी नहीं आती थी, पटवारी का काम करते थे, समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे, राजनीति नहीं समझती थी, लेकिन उन्होंने हमारा भाषण सुन लिया। हम घर गए तो उन्होंने कहा, क्यों रे तूने ये कहा कि भगवान तेरे पक्ष में है? मैंने कहा, कहा कैसे कहा? मैंने कहा त्वदीया या कार्याय, हम भगवान के कार्य के लिए कटिबद्ध है। उनको संस्कृत भी नहीं आती थी। बोले तो तुम्हारे पक्ष में कितने लोग हो गए? कुछ हो गए नहीं, बोले अंदाज से 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। हमने कहा कुछ आंकड़ा पकड़ लिए। बोले सारे जो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख है, ये संत ज्ञानेश्वर है क्या? संत तुकाराम है क्या? ये सब नरसिंह मेहता और चैतन्य महाप्रभु है क्या? ये सब नानक देव जी है क्या? ये तो है कि भगवान भक्त का भक्त बनता है, उसकी सेवा करता है। भगवान भक्त का बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर है, इसमें कोई शक नहीं है। भक्तों के लिए भगवान ने छोटे छोटे काम भी किए, लेकिन तुम्हारे पक्ष ऐसा जो तुम बोलते हो इसमें लाखों लोग है, ये सारे ज्ञानेश्वर और तुकाराम और नानक देव जी ऐसे है क्या? इसमें कहीं सात्विक हो गए, कोई राजसी हो गए, कई तामसी हो गए, कई स्काउंडरल्स हो गए, कोई बदमाश हो गए, सभी तरह के लोग हो गए। हमने कहा सभी तरह के लोग हो गए, तो इनका सबका बंधुआ मजदूर तुम भगवान को बनाते हो, कुछ संकोच नहीं लगता? अब मैं चकरा गया। तो उस समय तो बोला नहीं, भोजन हो गया, विश्रांति हो गई, चाय के समय मैंने कहा कि चाचा जी आपने कहा वो तो ठीक है, फिर हम जो कहते हैं कि त्वदीया या कार्याय, तो इसका मतलब क्या है? हमें यह कहने का अधिकार नहीं कि भगवान हमारे पक्ष में? बोले तुमको कोई अधिकार नहीं, भगवान तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है, तुम्हारे पक्ष में सात्विक, राजसी, तामसी, तरह तरह के लोग होंगे। तुमने कहा त्वदीया या कार्य का मतलब क्या? बोले ये मुझे समझा, त्वदीया कार्य का मतलब क्या? मैंने कहा त्वदीया कार्य का मतलब होता है कि तुम्हारे काम के लिए। बोले तुम्हारे काम के लिए है ना? हाँ। माने किसके काम के लिए? ईश्वर के काम के लिए। तो पक्ष किसका हो गया? ईश्वर का हो गया। मदीया या कार्याय नहीं है, मेरे काम के लिए, ऐसा नहीं है। त्वदीया या कार्याय, तो जिसका कार्य है उसका पक्ष है, तो पक्ष भगवान का है। तो हमारे पक्ष में भगवान है यह कहना गलत है, भगवान के पक्ष में हम है। पक्ष भगवान का है, कार्य भगवान का है। हमारे पक्ष में भगवान नहीं, भगवान के पक्ष में हम है, दोनों में अंतर है। बोले जब तुम कहते हैं कि हमारे पक्ष में भगवान है तो मतलब है कि पक्ष और कार्य तुम्हारा है, भगवान सहायक है। और जब तुम कहोगे कि भगवान के पक्ष में हम है तो मतलब होगा कि पक्ष और कार्य भगवान का है, हम उसके केवल सहायता करने वाले, उसके साधन के रूप में, उसके इंस्ट्रूमेंट के रूप में केवल हम है। तो हमारी धारणाएं इस विषय में यदि हम ठीक करते हैं तो ये तो धर्मस्थ तो जो है हम और अंतिम विजय, इसके बीच में कोई शक्ति ठहर नहीं सकती। और इसे